मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी है। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगी। इससे पहले सरकार ने इस साल की शुरुआत में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 6% बढ़ाकर 125% कर दिया था। बाद में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से इसका विलय बेसिक सैलरी में कर दिया गया। डीए बढ़ोतरी जुलाई 2016 से बकाया थी, इसलिए बढ़ा हुआ डीए जुलाई से ही लागू होगा। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता यानी डीए हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को साल में 2 बार दिया जाता है। साल में 2 बार डीए की घोषणा होती है। जनवरी और जुलाई महीने में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करती है, लेकिन इस बार अक्टूबर का आधा महीना बीत जाने के बाद भी ऐलान न होने की वजह से हाल ही में कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मुलाकात की थी। कर्मचारियों ने सरकार से इस साल का महंगाई भत्ता जल्द से जल्द घोषित करने और उसका पैसा खाते में जल्द से जल्द डालने का आग्रह किया था। कर्मचारियों का मानना था कि दिवाली से पहले यदि सरकार इसकी घोषणा कर देती है तो कर्मचारियों और उनके परिवार का त्यौहार अच्छा रहेगा, जिसके बाद अब सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। तो दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों की बात मान ली है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। देखते रहिए टीवी लाइव।